नमस्कार मित्रों, दोस्तों, नमो नमः है। हम शुरुआत करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, और हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं उसको देखेंगे हम यहाँ पर कैसे क्या करना है। लकारों की जब बात की थी तो दा धातु को हमने देखा था। दा धातु में हमने ददति ददतय ददंती नहीं दा ददाति दत्तय ददंती ददति बनाया था। आज हम आगे की ओर बढ़ते हुए देखेंगे कि कहाँ क्या करना है। धातुओं का इसी क्रम को और ध्यान में रखते हुए छोटे से छोटी धातुओं को भी हमें ध्यान रखना होगा, और इसीलिए हम एक बार दा धातु को फिर से एक बार पुनः करते हैं। दा धातु थी, लट लकार है ना। तो दा धातु में हम यहाँ रूप जो देखेंगे, जो बदलेंगे उनको बदलेंगे, और जिनको नहीं बदलेंगे उनको हम दा धातु का तो हम देख चुके हैं पहले। हम कथ धातु से कथ धातु से हम चल रहे थे। तो कथ धातु क्या है उस पर चले, और फिर चुर धातु पे। कथ यानी कहना, और लट लकार में मैं रूप लेके जाऊंगा तो देखेंगे क्या करना है। लट लकार में फिर से एक बार देखेंगे इसको, फिर हम चुर धातु में भी जाएंगे। प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों लकारों में ये विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम आगे की ओर लेके बढ़ेंगे। तो देखते हैं कैसे क्या करना है। हमने यहां देखा था कथयति, कथयता, कथयंती, कथयसी, कथयथा, कथयथ, कथयामि, कथयाव और कथयाम यामा। इसी को यदि मैं लेके जाऊं अब किस में, भविष्यत काल में, तो कथ धातु रखें। कहना जिसका है रिट लकार है और भविष्यत काल है। भविष्यत काल में जब मैं इन चीजों को लेके चलूं तो वहीं पर पुरुष आएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें यहां विशेष रूप से दिखाई दे। कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यतः, कथयिष्यत। कथयिष्यामि, कथयिष्याव और कथयिष्याम। हमारे पास यहां पर हो गए हैं
दो लकार हो गए हैं, एक लटकार हो गया लट लकार, जिसको आपने कहा वर्तमान काल, और एक काल हो गया हमारे पास कौन सा, भविष्यत काल। कथयिष्यति, कथयिष्यत, कथयिष्यन्ति, कथयिष्यसि, कथयिष्यतः, कथयिष्यत, कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। इस तरह से हमारे पास यहां दो विशेष रूप से लकार हो गए हैं कथ धातु का। अब तीसरा लकार यदि हमें लेके चलना है तो हमें सबसे पहले अपना कल इसका चेंज चेंज करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। कथ धातु है कहना, कहना है, और यहां लकार है लोट लकार। लोट लकार में जाऊं जिसका अर्थ है आज्ञा अर्थ। आज्ञा अर्थ में जब इसको रखा जाए और इसको पढ़ा जाए तो पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहां पर जब हम कथ को लेके चलेंगे जो कि लोट लकार में है वो क्या बन रहा है, कथयतु, दूसरा रूप बनता है इसका कथयतात, फिर इसमें बनता है कथयताम, कथयंतु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयानि, कथयाव, कथयाम बना। इसी प्रकार कथ धातु से मैं लेके चलूं कहना अर्थ में ही, और लंग लकार है, लंग लकार है वो भी आज्ञा अर्थ में नहीं है, अब लंग लकार भूतकाल में है। कैसे किया जाए, पुरुष पे लेके जाऊं, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष का किसमें लेके चलना है वो भी ध्यान रखें, हम लेके चल रहे हैं किसमें, कथ धातु में, और कथ धातु में लंग लकार भी बनता है, अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अकथय, अकथयतम, अकथयत, अकथयम, अकथयाव और अकथयाम। आपके पास यहां लकार कौन सा है, भविष्यत काल में नहीं, ये भूतकाल में है, अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अकथय, अकथयतम, अकथयत, अकथयम, अकथयाव, अकथया। इस तरह से आपके पास ये लकार है। अब हम बात करते हैं किस पर, विधि लिंग लकार पर। कथ धातु, कहना, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार पे जब हम इसको लेके चलेंगे तो देखिएगा क्या बनाएंगे, पुरुष,
प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हमें यहां विशेष रूप से देखना होगा कि हम जिस को लेके चल रहे हैं उसको लेके कैसे चलना है, क्योंकि कथ धातु है और विशेष रूप से ध्यान रखो यहां पर क्या बनेगा। कथयेत, कथयेताम, कथयेयु। कथये, कथयेतम, कथयेत, कथयेयु, कथयेयम, कथयेव, कथये। इस तरह से लकारों को बदलते हुए हमने यहां विधिनी लकार में कथ धातु का भी रख लिया है। कथ धातु के साथ में ही यदि हम और भी लेके चलें तो हमारे पास एक चुर धातु है। चुर धातु को रखें, लट लकार है और वर्तमान काल है। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। जब मैं किसमें चल रहा हूं, चुर धातु पे, तो रू बनता है चोर्यति, चोर्यता, चोर्यन्ति, चोर्यसी, चोर्यथा, चोर्यथ, चोर्यामी, चोरियाव, चोरिया। लट लकार है, लकार लट लकार है, चुर धातु है। विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह से यहां कर रहे हैं। अब यहां पर मेरे भी विशेष रूप से यहां उस प्रश्न विशेष में चलेगा कि चुर धातु है, लट लकारे रूपम, चोर्यतु, बी है चोर यीशति, चोर्यति, चोर्यथ। चार ऑप्शन है, आप निष्फिक्र होकर के यहां आंसर दीजिएगा। आपका यहां सबसे बड़ा यही है कि आपको करना क्या है। कथ धातु के बाद में मैंने चुर धातु शुरू की है। चुर यानी चुराना, चुर चुराना अर्थ में ये आती है। मेरे पास है चुर धातु का अगला, तो यहां पर लकार है लृट लकार।
पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। या लकार विशेष में चलूंगा और देखें हम यहां पर, तो चोर हिष्यति, चोर हिष्यतः, चोर हिष्यन्ति, चोर हिष्यसि, चोर हिष्यथः, चोर हिष्यत्, चोर हिष्यामि, चोर हिष्याव, चोर हिष्याम। अब कहां लिट लकार है तो विसर्ग नहीं होगा, कहां यहां पर। लिट होगा बिल्कुल, चोर चूर धातु में तो भूत भविष्यत काल में तो विसर्ग रखा ही रखा जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो यहां ध्यान भी रहेगा कि आपने यहां पर क्या किया है। चुर धातु के बाद हमारे यहां पर अगला आया चुर धातु से लेकर के चुराना, और यहां पर आया लोट लकार, आज्ञा अर्थ में, इसमें है आज्ञा अर्थ में, बिल्कुल आपके आज्ञा अर्थ में यहां पर शुरुआत हुई है। फिर है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में जब मैं लोट लकार में जाऊं तो चोर्यतु, चोर्यताम, चोर्यन्तु, चोर्य, चोर्यताम, तम, चोर्यथ, चोर्यानी, चोर्याव और चोर्याम, चोर्या। अब यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि चुर धातु में लिट लकार, अर्थात लिट लकार किसे कहते हैं, भविष्यत काल को, और यहां पर लोट लकार आज्ञा अर्थ को। तो भविष्यत काल और आज्ञा अर्थ दोनों में हम यदि ध्यान रखें तो हमारे पास ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर चुर धातु का हमने लोट लकार यहां लिख लिया है। क्या लिख लिया है? लोट लकार। लोट लकार में जब आपने किसी चीज को समझा तो यहां लोट लकार में चुर धातु के सारे सारे रूप आ गए। अब आया हमारे पास अगला, कौन सा है उस पे चलें, चुर धातु पे ही है।
चुर धातु, और विशेष रूप से हमारे पास लंग लकार, भूतकाल, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों लिंगों की हम जब बात कर रहे हैं तो हमें यहां ध्यान रखना होगा लंग लकार में एचोरियत, एचोरियताम, एचोरियन, एचोर्य, एचोरियतम, एचोरियत। एचोरियम, एचोरयाव, एचोरिया किस लकार में है? भूतकाल में है ये लकार। और अच्छी तरह से ध्यान रखो जिस लकार को आप पढ़ने जा रहे हैं उस लकार में आप लंग लकार में पढ़ रहे हैं, और फिर हमारे पास विधि लिंग लकार में भी आ रहा है। जिसका अर्थ है चाहिए। चुर धातु है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों में मैं लेके जा रहा हूं। तो यहां ध्यान रखना होगा कि हम जिस लकार को पढ़ने जा रहे हैं वो चाहिए अर्थ में होगा, और चाहिए अर्थ में चलता कैसे है? चोरियेत, चोर येताम, चोर येयु। चोर ये, चोर येतम, चोर येत। चोर येयम, चोर ये, चोर याव, चोर येव और चोर येम। यह प्रश्न विशेष को भी ध्यान रखना होगा कि आप जो करने जा रहे हैं उस प्रश्न विशेष में क्या रहना है और उसको समझना भी होगा। क्या सब प्रश्न विशेष में हम यहां चले तो यहां पर मेरे पास है चोर ये इत्यात्र लकार है, के लकार कौन सा होगा? क्या लट लकार है, विधि लिंग है, या फिर लंग लकार है, या फिर लृट लकार है? चोरी में कौन सा लकार है इस चीज को आपको विशेष रूप से लगातार देखना होगा कि यहां पर आपका जो लकार है वो चुर धातु में किस लकार में आप ये करने जा रहे हैं। हमने
विशेष रूप से दा धातु भी देखा, हन धातु रखा, पर इन धातुओं से हम सबको ये समझ में आया कि किस लकार में हम क्या करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों के आधार पर परीक्षक हर बार पूछता है। कैसे पूछता है उस पर भी ध्यान रखो। अब हमारे पास एक धातु है सेव, सेव धातु है, लट लकार है, अर्थ क्या है भाई, सेवा करना। किसमें है, आत्मनेपद में। तो इसके जब रूप बनाऊंगा तो वो देखें रूप क्या बनेंगे। पुरुष रखूं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जब मैं सेव धातु को लेकर चलूंगा, राजकुमार जी नमो नमः है, नमस्कार, वेलकम है, आपका स्वागत है। अब प्रश्न यहां ये है कि सेव धातु है सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवत्वे, सेवे, सेवे वहे, सेवा वहे, सेवा महे। सेवा महे। हमें यहां लकार विशेष का, जब हम सेव धातु का चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना होगा कि जिस धातु को हम यहां पढ़ने जा रहे हैं उस धातु को ध्यान रखो। क्या पूछ क्या रहा है, वो पूछता है सेवेते इत्यत्र लकार है के। लकार कौन सा, क्या यहां लट लकार है, लिट है, लोट है या फिर विधिलिंग है। या फिर हम यहां जा जाएं सेवे इत्यत्र लकार है के, लकार कौन सा है। और यहां पर आ जाओ, क्या यहां लट लकार है, रिट है, लेट है या फिर विधिलिंग लकार है। यहां पर जब हम बात करते हैं इन चीजों की, तो हमारे यहां दिखाई देता है कि सेव धातु में जब हमने शुरुआत करी तो हमें यहां दिखाई दिया कि यहां पर सेव धातु में सेवेते कहां बनता है, प्रथम पुरुष के लट लकार में बनता है, तो लट लकार है। सेवे, सेवे कहां बनता है, लट लकार के कहां बन रहा है, उत्तम पुरुष में ये बन रहा है। तो मित्रों ऐसी स्थिति में यहां भी आंसर हमारा आया। अब ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देंगे, हाँ बिल्कुल हो रहा है, यहाँ सेव धातु है। अब यहाँ पर हम यदि भविष्यत काल में चलें तो क्या बनेगा सेव धातु का। सेव धातु है सेवा करना, लिट लकार है, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष भी है,
द्विवचन भी है और बहुवचन भी है। प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? मध्यम पुरुष में क्या बन रहा है? और उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? छोटी-छोटी चीजों को समझते हुए चले तो हमें यहां दिखाई देगा कि हम जो बना रहे हैं उस पर क्या लिखना है, और ऐसी स्थिति को जानने के लिए ही हम यहां समझेंगे। बहुत सुंदर आंसर। यदि बिल्कुल आंसर आपका सही दिया है, बहुत बढ़िया। आपने रामकुमार जी, राजकुमार जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब यहां पर हमारे पास अगला है जो हम जाएंगे, वह है सेविष्यते। सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविषये, सेविष्येथे, सेवि वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे और सेविष्यामहे। अब आपको यहां प्रश्न फिर खड़ा हुआ कि सेव धातु सेविषये इत्यत्र पुरुष है क्या? पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, या कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है, ये आपको यहां देखना है। दूसरा प्रश्न यहां पर ये आएगा कि आपके पास में सेविष्ये थे इत्यत्र लकार है क्या? लकार कौन सा है? क्या लट लकार है, या आपका रिट लकार है, सी में लोट है, या फिर लंग है? अब आपके पास में ये सारे के सारे जवाब होने चाहिए जिसका प्रयोग करते हुए आप इस लकार को ये बता सके कि इसमें ये आंसर होगा। तो मित्रों, ढेरों शुभकामनाओं के साथ एक नई शुरुआत की ओर जब हम चल रहे हैं तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि हम जिन लकारों को याद कर रहे हैं वो याद हमारे होने चाहिए। ढेरों शुभकामनाओं के साथ पुनः मिलने की।